मालवीय नगर ट्रिपल मर्डर का मामला सामने है। पूरे मामले में मृतका की ननद नेहा की भूमिका भी संदिग्ध में है। तिहरे हत्याकांड के बाद नेहा ने किया है अपना मोबाइल फॉर्मेट कर दिया है उसने अपना मोबाइल, और अब ऐसे में उठ रहे हैं कई सवाल कि आखिर नेहा ने क्यों किया अपना मोबाइल फॉर्मेट। इसको लेकर जानकारी जुटा रहे हैं पुलिस के अधिकारी। नेहा के साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों से भी पुलिस ने पूछताछ की है। वहीं हत्यारे पड़ोसी की तलाश में पुलिस की लगातार दबिश जारी है। तो देखिए, ट्रिपल मर्डर मामला है ये, जिसको लेकर अब ये पूरा मामला सामने आया है, जिसको लेकर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। विनय पंत हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, अभी एक नया इसमें एक मोड़ आ गया है इस पूरे मामले में, ट्रिपल मर्डर में मृतका की ननद की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। पूरा उसने अपना फोन फॉर्मेट कर दिया है, इसको लेकर क्या ताजा जानकारी? ये जो ये मालवीय नगर थाना इलाके में तिहरा हत्याकांड हुआ है, इसमें कई नए एंगल जो है वो निकल के सामने आ रहे हैं। जहां एक और ये स्पष्ट हो चुका है कि जो हत्यारा है वो पड़ोसी है, जो कि अभी फरार चल रहा है, उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं ये बात भी सामने आई है कि जो मृतका की जो ननद है, जिसका नाम नेहा बताया जा रहा है, वो जब ये पूरा ट्रिपल मर्डर हुआ तो उसके बाद उसने अपना मोबाइल फॉर्मेट कर लिया। तो अब ऐसे में कई सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि उसने अपना मोबाइल फॉर्मेट कर लिया। इस चीज को लेकर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी जानकारी जुटा रहे हैं, और जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार मोबाइल फॉर्मेट करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो ऐसे में जो नेहा है उसकी जो भूमिका है वो भी संदिग्ध मानी जा रही है, और उसको लेकर भी पुलिस की जो जाँच है वो लगातार जारी है। जी विनय, इस तरीके से देखिए, पहले तो आरोपी को पकड़ने में पुलिस लगी थी, लेकिन अब ध्यान नेहा की तरफ चला गया, यानी कि